सही बोला, नासों में डालना। यार डिब्बा आप नासों में डाल लोगे तो आपकी तो नासें ही छोटी छोटी हैं, इनमें पूरा ही नहीं आना। मैं छोटा छोटा करके सारा भी डाल लूंगा। भाई ऐसी लगी आगे स्वाद। हेलो जी, वी आर बैक विद अदर व्लॉग। मैं ऑफिस से आके नहाया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ, अब मैं नाश्ता करने लगा। आज मैंने ऑफिस से आते आते आप लोगों के साथ सीन शेयर करने थे कुछ, लेकिन मैं आज जल्दी आ गया था, अंधेरा था उस टाइम, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने वहां से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। अब घर आके फ्रेश हो के फिर व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है मैंने। नाश्ता बन रहा है, अब नाश्ता करके मैं सोने लगा हूँ। सो के उठेंगे फिर बाहर चलेंगे, घूमेंगे, गपशप लगाएंगे, इंजॉय करेंगे। और जिस जिसने अभी तक जो भी जी व्लॉग्स ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कर लो, निकल और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो। बेल आइकन के बटन को प्रेस करने का ये फायदा होगा कि मेरे आने वाले नए व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और आप टाइम से मेरे व्लॉग्स देख सकेंगे। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो यार अभी मैं नाश्ता करके सोने लगूं, सो के उठेंगे तो गपशप लगाएंगे। A few moments later, अभी तकरीबन 2 बजे हुए हैं और मैं सोया हुआ उठ गया हूँ। अब बाहर जाने लगा यार, पहले जरा मैं वॉशरूम से होके फ्रेश हो लूँ थोड़ा सा, फिर बाहर चलते हैं। फ्रेश होके यार अब मैं खाना खा रहा हूँ क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, अभी तक बाहर नहीं गया। पहले ये खाना फिनिश कर लूँ फिर बाहर चलते हैं और गपशप लगाएंगे। बाहर जाके देखेंगे यार कोई सीन अच्छा सा, और थोड़ा सा अहमद को भी तंग करने जाना है यार आज मैंने, और देखेंगे कि अहमद का रिएक्ट क्या होता है। मैं जब अहमद की साइकिल लेके तो चलाना शुरू करता हूँ तो वो मुझे कहता है ओए छोड़ दे मेरी साइकिल, मैंने तुझे देनी। बस मुझे उसकी साइकिल ही पकड़नी होती है तो बाकी सारा ही रिएक्ट वो खुद ही करना शुरू हो जाता है। तो यार बाहर चलते हैं, मैं वैसे भी बोर हो गया हूँ, अब जल्दी जल्दी से ये खाना फिनिश कर लूँ फिर निकलते हैं। खाना खा के फ्री होके बाहर आ गया हूँ। मैच लगा हुआ था, अफ्रीका और श्रीलंका का मैच लगा हुआ है यार अभी भी, और 384 स्कोर कर लिया है अफ्रीका ने, और इस वर्ल्ड कप का सबसे हाईएस्ट रन आज के मैच में होगा जो कि 400 या 400 से आप होने वाला है। अफ्रीका के 3 प्लेयर्स ने सेंचुरियाँ की हैं और बाकी कुछ 32-22-10 रन पे भी आउट हुए हैं। जितने रन अफ्रीका ने बना दिए हैं, श्रीलंका मैच हार गया 100%, क्योंकि अब इतना रन चीज़ नहीं होना श्रीलंका से। श्रीलंका की टीम वैसे भी छोटी है, कुछ लोग कहते हैं कि श्रीलंका के प्लेयर यंग हैं लेकिन बड़े अच्छे प्लेयर हैं, टीम अच्छी है, लेकिन श्रीलंका की टीम में बस फारग ही है, बकवास ही है भाई। पाकिस्तान की टीम इस टाइम बकवास हुई है जो नीदरलैंड को 300 रन नहीं मार सकी। और तकरीबन शाम का टाइम हो गया, लेट हो गया हूँ आज मैं बाहर आने के लिए। मैं अपनी शॉप पे आके बैठ गया हूँ फाइनली, और यार अफ्रीका ने मजा करा दिया। यहाँ पे मेरा दोस्त बैठा हुआ है, आसम अली आया, और ये पता नहीं आज कहाँ से आया इतने दिन बाद। ये वाला एक्टिव बच्चा मेरा दोस्त है, और वो मेरा दोस्त जो है आकब अली, ये कच्चा पक्का दोस्त है यार, ये मेरा पक्का दोस्त है। ये कुछ टिकटॉक वगैरह देख रहे हैं दोनों बैठ के मिल के। और ये एक बच्ची आई है, मैंने इसको कहा था कि वीडियो बनानी है मैंने, तो ये साथ ही बाहर चली गई है, पता नहीं क्या लेने आई थी, लेकिन मैं वीडियो तो अपनी बना रहा हूँ। ये पता नहीं क्यों ऐसे नाराज़ हो रही है मेरे से। ये हमारे दोस्त की बच्ची है, बड़ी प्यारी, इजाज़ साहब की बेटी है। ये शैम्पू मुंह में नहीं डालते, फट गया तो फिर आपको कड़वा लगेगा। क्या लेना है, क्या लेना है, कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी चीज़ लेनी है, शैम्पू तो दो, क्या लेना है, क्या लेना है, ले लेने शैम्पू। बोल ही नहीं रही मेरे साथ ये, अगर मेरा दोस्त यहाँ होता हमदान तो वो बड़ी बातें करता। ओए टिंड वाले, आजकल यार वो पता नहीं कहाँ है, 2-3 दिन पहले यहाँ आया हुआ था, लेकिन यार इन्होंने मुझे बताया नहीं, लेट बताया जिस दिन वो जाने वाला था, और मैं भी नहीं इधर आया था, थोड़ा बिजी था। तो वो आया होता तो यार उससे गपशप लगाते, दिखाता आपको माशाल्लाह वो कितना एक्टिव और अच्छा बच्चा है। अभी थोड़ी देर बाद मैं अहमद को छेड़ने के लिए जाऊंगा, ये मेरे साथ बातें नहीं कर रही। इधर देखो, इसकी फोटो लगानी है आज मैंने थंबनेल पे, इसकी फोटो लगाऊंगा मैं आज की वीडियो के थंबनेल पे।
और ये मेरे साथ बातें तो नहीं कर रही, चलो ना करे कोई बात नहीं है, आपकी फोटो लगाऊंगा मैं। बहुत बुरे लग रहे यार, अफ्रीका ने मजा करा दिया। आज से पहले किसी भी टीम ने 400 रन नहीं किया वर्ल्ड कप में, और इस वर्ल्ड कप में ये सबसे बड़ा हाईएस्ट स्कोर होगा। और श्रीलंका इसको चेज नहीं कर पाएगी, श्रीलंका 100% हार गई है मैच, वन साइडेड मैच हो गया। श्रीलंका की बैटिंग देखने का मजा ही नहीं आएगा क्योंकि उनसे खेला ही नहीं जाएगा। ये मेरा दोस्त आ गया एक और, ये मुझे चीज नहीं लेके देता, ये इसका बड़ा भाई है और एक इससे भी बड़ा है, वो पता नहीं कहाँ है, नहीं बल्कि ये सबसे बड़ा है। और ये मुझे चीज नहीं लेके देता, मुझे भी यार चीज ले दो, कोई 5 रुपए की एक टॉफी ले दो मुझे, आज क्या आ गया क्या। ये कुछ बोली है, पता नहीं अब क्या बोली है, तो चीज ले दो यार मुझे, क्यों और यार ले दो एक टॉफी ले दो, नहीं पैसे भी देने हैं। इसने डिब्बे में से निकाल के टॉफी दे दी है मुझे, पैसे भी देने हैं आपने। यार ये तो कोई बात ना, मेरी शॉप से मुझे टॉफी दे रहे हो आप, ये क्या बात है यार, पैसे भी दो ना, पैसे नहीं ले गया चीज के, क्या कह रही है? नहीं कहेगी वो अच्छी बची है, ये आका बली इसको कह रहा है कि टिंड कहो, वो नहीं कह रही, जब मैं देखता हूँ फिर नहीं कहती, जब इसकी तरफ ध्यान होता है तो वो कहना स्टार्ट हो जाती है। तो यार ले दो चीज़, क्या हो गया यार, ये टॉफियाँ खुद ही दे जा रहे मुझे निकाल निकाल के, तो पैसे किसने देने हैं, वो ये टॉफियाँ ले के भाग गया, इधर आ ए इधर आ, फोटो बनानी है तेरी एक। मैंने उसे कहा यार एक पिक बनवा लो, तो वो भाग गया, पता नहीं क्या चक्कर है। ये एक और क्यूट सा बच्चा है, ये पता नहीं स्कूल में पढ़ता है कि नहीं, ये तो नहीं पढ़ती यार। एक फायदा है यहाँ शॉप पे आके बैठने का, क्यूट क्यूट बच्चे मिलते हैं और बातें करके बंदा फ्रेश हो जाता है उनसे, बोर भी हुआ हो तो बंदे का मूड ठीक हो जाता है। इस तरह का मर्जी पैड़ा मूड बना हो, बच्चों से बातें करके बच्चों को देख के फ्रेश हो जाता हूँ मैं, ये फायदा है मुझे इस शॉप पे आने का। मच्छियाँ टॉफियाँ गोलियाँ बेच रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो लेज लगी हुई है यहाँ पे, टॉफियाँ बिस्किट वगैरह हैं, और ये टक बिस्किट आया कोई बाइट्स, ये कौन है ये क्यूट बच्चा, पता नहीं कहाँ से आया, पढ़ते हो आप? ये स्टार दिया मैडम ने, एक साइड पे है कि दोनों साइडों पे है? दोनों साइडों पे नहीं मिले, एक साइड पे स्टार मिला इस बच्चे को। आप क्या लेने आए? क्या किया आपने? डिब्बा क्या करना है आपने? क्या करना है डिब्बा? सही बोला, नासों में डालना। डिब्बा आप नासों में डाल लोगे? तो आपकी तो नासें ही छोटी छोटी हैं, इनमें पूरा ही नहीं आना था। छोटा छोटा करके सभी डाल लूँगा। मजा आया। This is a nice boy. अभी मैं अम्मा से मिलने जाऊंगा तो देखेंगे वो क्या बातें करता है आज हमारे साथ। क्या लेना है आपने? चीजी। लाओ मुझे दो पैसे फिर चीजी मिलेगी। क्या लेना है 10 रुपए का? कौन सी चीजी लेनी है? ये तो जुम्बी या खट्टी होती है, ये ना खाओ, अच्छी अच्छी चीजें खाया करो आप। यही लेनी है, ले लो अब। नहीं लेनी अब, ये क्या लेना है फिर 10 रुपए का? ये 10 रुपए दिए हैं बस इसने, और 10 रुपए की चीज लेनी है। अब मगरिब की जाने हो रही है यार, इस वजह से थोड़ी लाइट की कमी है, एक बल्ब लगा हुआ ऊपर, और 10 रुपए दिए के तो चीज नहीं पसंद आ रही, कौन सी लेनी है? वो चलावा क्या लेने लगी हो? मैं निकाल के दूं, इसमें है 3 है, एक ले लो, एक ही लेनी है, और एक क्या लेना है, और एक ये लेना है, दोनों खट्टी खट्टी लेनी है। आए ये बच्ची इस तरह की चीजें खाती है, ये बच्ची इस तरह की चीजें खाती है सारी। चलो जी 10 रुपए पूरे हो गए आपके। यार यहाँ पे बैठ के मजा बड़ा आता है, चीजें सेव कर रहा हूँ मैं। अब मगरिब भी जाने हो रही है, नमाज का टाइम है, मैं आप पढ़ने लगा हूँ नमाज। ये एक और बच्चा आया चीज लेने, आप क्या लेने आए हो? यार जिस बच्चे की तरह मैं कैमरा करता हूँ वो बच्चा भाग जाता है यार, ये तो कोई मजेदारी नहीं, बच्चे शर्मा ही बढ़ा रहे हैं। चले यार फिर, अब नमाज का वक्फा है। अभी मैं अहमद से मिलने आया हूँ और साइकिल पे झूले ले रहा हूँ। यार ये मुझे साइकिल नहीं देता, पता नहीं क्या बात है, इसकी मेरे साथ कोई पक्की दुश्मनी है, लेकिन फिर भी मैं जबरदस्ती झूला ले रहा साइकिल पे, मुझे मजा आ रहा है झूला लेने का। अभी नहीं मैंने उतरना यार, नहीं हवा कोई भी नहीं है, कम हवा सही है, मैं हवा बुरवा दूंगा अगर कम होगी तो। साउथ अफ्रीका ने 428 स्कोर कर लिया,
अब श्रीलंका वालों से चेज नहीं होना, वो सीधा सीधा हार गए और मेरे ख्याल से कि आगे पूरे वर्ल्ड कप में किसी से 400 स्कोर नहीं होगा। ये अब तक का वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर है। और मैं अब झूले झूले लेके जाने लगा हूँ, फ़ोन चार्जिंग पे लगाना है मैंने, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैंने ऑफिस में जाना है, तो फ़ोन चार्ज होगा तो मैं ऑफिस में जाके काम कर पाऊँगा। तो सो यार, इसके साथ ही आज के व्लॉग का एंड करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखना, मेरे को अपनी दुआ में याद रखना, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूंगा, मिलूंगा कल एक नए व्लॉग के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।